Hi guys, how are you? As you know, this is Dinesh R. Janoji. So, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नैक के ऊपर. तो जानेंगे कि स्नैक के क्या फैक्ट हैं, उसके अंदर क्या राज है. स्नैक सांप. देखिए, स्नैक का मतलब होता है सांप, ठीक है. तो स्नैक के बारे में हम थोड़ा सा इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे. तो आपको बता दें कि जैसे ही कभी भी मतलब कि स्नैक का नाम लिया जाता है तो हम लोग के अंदर एक डर बढ़ जाता है कि बहुत ही डेंजरस है और ऑर्गेनिज्म है, और इसमें क्या है कि टॉक्सिन जो होता है तो बहुत ही मतलब इफेक्टिव होता है, जिसे पॉइजनस कंडीशन में रहता है, जिसको अपन लोग पॉइजन कहते हैं. तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि सांप जो होता है उसके जो बॉडी का जो कलर्स की बात करते हैं तो ब्लैक होता है, ठीक है. हम सिर्फ एक सांप को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सांप की जो कैटेगरीज हैं वो ढेर सारी हैं, ठीक है. ढेर सारी स्पीसीज होती हैं सांप के अंतर्गत, और इसके अंदर एनाकोंडास हो गए, ठीक है, ग्रीन हो गए, ग्रीन स्नैक हो गए, ब्लैक स्नैक हो गए, और इसके अलावा ढेर सारी चित्तीज वगैरह होगी. तो बहुत सारे सांप की कैटेगरीज इसके अंतर्गत आ जाती हैं. और आपको हम बताएं कि इसमें कि जो डेंजरस सिचुएशन पे चलते हैं, जैसे कि कोबरा हो गया, किंग कोबरा हो गया, किंग कोबरा की प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. किंग कोबरा, ठीक है. तो आपको बता दें कि देखिए, इसने एक बार बार जब अपनी टंग्स को बाहर करता है तो वो थोड़ा सा डरावना सिचुएशन बन जाता है. एक तो पहले से ही कहानी में बताया गया, सिखाया गया, और एक्चुअल में भी होता है कि ये बहुत ही डेंजरस ऑर्गेनिज्म होते हैं. अगर किसी को मतलब कि काट लें तो उसकी डेथ है, कंफर्म है. उसकी वजह क्या है डेथ की वो भी हम बता देते हैं कि जब भी मतलब कि स्नैक होता है, ठीक है, पहले हम स्नैक का डायग्राम बनाएंगे. दिस इज द स्नैक, ठीक है. दिस इज स्नैक. स्नैक का जो ये फर्स्ट पार्ट है, माउथ के अंदर अपन लोग देखेंगे तो वहां पे ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती है. उन ग्लैंड्स के अंदर टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन जो पॉइजनस, जिसमें पॉइजन होता है, पॉइजन, ठीक है. तो सांप के अंदर जो विष ग्रंथि होती है उसके अंदर जो विष भरा होता है उसको साइंस की भाषा में टॉक्सिन कहते हैं. ये जो जब भी ये टॉक्सिन किसी के ऊपर रिलीज करता है, सपोज दैट किसी बॉडी को पकड़ा, ठीक है, किसी बॉडी को पकड़ लिया और इसके ऊपर उसने उसको काट लिया. तो जैसे ही काटता है तो आगे के जो इनके टीथ होते हैं उन टीथ के माध्यम से ये अपने टॉक्सिन को रिलीज कर देता है, इंटर करवा देता है उसके बॉडी में, सामने वाले बॉडी में. जैसे ही उसके बॉडी में एंटर होती है तो इसका टॉक्सिन उसके ब्लड में जाकर मिल जाता है. अब समझो, तो जैसे ये रहा टॉक्सिन, ये रहा ब्लड, ठीक है. तो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, फ्लो कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. तो जब भी अपन का टॉक्सिन होता है वो ब्लड के कांटेक्ट में आता है. तो जब ये लिक्विड, आपको पता होना चाहिए कि ब्लड लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और जब भी ये टॉक्सिन ब्लड में एंटर करता है तो टॉक्सिन क्या करता है कि ब्लड के जो लिक्विड पार्ट होता है उसको सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है. जैसे सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर दे तो जो लिक्विड पार्ट है, जैसे टॉक्सिन ब्लड में मिला, तो मिलने के बाद सीधे टॉक्सिन क्या करता है कि ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, और इसके बाद सीधे उस ब्लड को, ब्लड का थक्का जम जाता है, ठीक है. तो जैसे ही ब्लड जमना शुरू कर देता है तो आगे मूव करना या पीछे मूव करना उसके बस की बात नहीं हो जाती. तो आगे मूव या पीछे मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पूरे बॉडी को ब्लड बराबर सर्कुलेट नहीं होता, जिसकी वजह से आदमी की जब बॉडी की डेथ हो जाती है. तो रीजन सी है, तो समझिए बात को. अब आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सांप का जो ये सामने वाला जो टंग्स है तो बार बार टंग्स अंदर बाहर क्यों करता है. तो उसका रीजन ये है कि जो बॉडी होती है, स्नैक की बॉडी होती है, तो स्नैक की बॉडी में बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. तो स्नैक की बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसको ज्यादा से ज्यादा हीटिंग महसूस होती है. तो उस हीटिंग को इन्वायरमेंट के थ्रू अपने आप को मेंटेन करने के लिए, समझ आपको, इन्वायरमेंट के थ्रू अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर कोल्डेस्ट इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए क्या करता है कि जीभ बाहर करता है. जीभ बाहर बाहर करता है, इसका मतलब ये
कि वो बाहर से ठंडी चीजें को ले रहा है और अपनी बॉडी में दे रहा है और अपने अंदर की गर्मी को शांत कर रहा है। तो कुछ इस तरह ये बार बार जीभ निकालता है। इसका बार बार जीभ निकालने का सिर्फ मतलब यही है, टंग से निकालने का सिर्फ मतलब यही है कि ये बाहर की कोल्डिंग एरिया को लेके अपनी बॉडी में छोड़ देता है ताकि उसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, वरना गर्मी से या हीटिंग की वजह से सांप की डेथ भी हो सकती है। तो उसका रीजन सिर्फ यही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर टॉक्सिन जो होता है, टॉक्सिन बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। तो जैसे टॉक्सिन को रिलीज करता है बॉडी में, किसी भी बॉडी में स्नैक, तो उसके थ्रू जाते क्या होता है, उसके थ्रू ब्लड का ब्लड कॉटिक्स होना शुरू हो जाती है और थक्का बनना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी ना तो हार्ट में पहुंच जाता है, ना हार्ट में पहुंच पाता है, ना बॉडी के किसी भी पार्ट में ब्लड दौड़ पाता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। और बार बार जीभ निकालने का रीजन ये है कि भैया इसकी वजह से बाहर के टेम्परेचर, बार बार अगर जीभ निकलता है बाहर सांप, ठीक है, स्नैक बार बार जीभ निकलता है बाहर, तो आप समझ जाइए कि वो सांप जो बार बार स्नैक है, बार बार जीभ निकल रहा है, उसका रीजन सिर्फ ये है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, उसकी ज्यादा गर्मी है, वो गर्मी को मेंटेन करने के लिए बार बार बाहर जीभ निकल रहा है, ठीक है। उस सिचुएशन को देखिए, आप डरिए नहीं, वो बार बार अगर जीभ बाहर निकाले तो मत डरिए, क्योंकि वो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए सिर्फ बाहर से एनवायरमेंट ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है, अपने बॉडी को दे रहा है, बस इतना रीजन है। आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि सांप सुन नहीं सकते, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सांप सुन नहीं सकते। तो इसका मतलब जो इनके सामने बीन बजाता होगा उससे बड़ा गधा तो इस दुनिया में नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, वो एक अलग बात है कि जो बॉडी होती है सांप की, ठीक है, ये सेंस करता चीजों को, आपको पता होना चाहिए कि बॉडी सेंस करती है, समझ बात को। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और स्नैक कोई यहाँ से 200 मीटर दूर अगर सांप कहीं पड़ा है स्नैक, तो हमारे बॉडी के कंपन से वो अपने बॉडी के कंपन को कंफर्म कर लेता है, ठीक है, और उसे पता कर लेता है कि मेरे चारों तरफ कोई इंसान है या कोई जानवर है, ठीक है, इससे कंफर्म हो जाता है। कहने का मतलब ये कि अर्थ के कंपन से ही वो कंफर्म कर लेता है कि मेरे अराउंड कौन से लोग घूम रहे हैं, कोई है या नहीं है, ठीक है, और फिर वो अपने बचने की प्रोसेस शुरू कर देता है। और हाँ, ये किसी का दुश्मन नहीं है, इससे डरना नहीं ज़्यादा, किसी दुश्मन ने डायरेक्ट नहीं काट सकता। हाँ, इसको आप छेड़ेंगे तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, समझ बात को। तो अगर इसको आप छेड़ेंगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, इसलिए दूर से ही बाय बाय करते रहिए, उसके पास जाके खिलवाड़ मत करना, वरना फिर वो अपना पावर दिखा देगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताया अभी कि सांप सुन नहीं सकता, तो इसका मतलब उसके सामने जो भीम जाते हैं उनसे बड़ा गधा तो इस दुनिया में नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, बात हमेशा याद करना कि जो बीन बजाते हैं तो उनकी वजह, बार बार बीन बजाते हैं, बार बार सांप के साथ ही बीन बजाते हैं, उसका रीजन सिर्फ यही है कि सांप ने कंफर्म कर लिया अपनी बॉडी को, अपने आप को ढाल लिया है कि ये जिस तरफ बीन करेगा उस तरफ मेरे को अपना सर घुमाना है, जैसे बीन ऐसे बज गई, ठीक, तो ऐसे घुमाएगा, ऐसे घूमेगी तो ऐसे घुमाएगा। हाँ, डांस नहीं कर रहा हो, समझ रहा, वो देख रहा है मूवमेंट को, सामने वाले सपेरे के मूवमेंट को देख रहा है सांप, ठीक है, कि एक्चुअली में करके आ रहा है, ठीक है। वो बीन बजा रहा है तो कभी इधर कर रहा है तो इधर करेगा, कभी इधर कर रहा है बीन तो कभी इधर करेगा, यानी सामने वाले सपेरे के मूवमेंट को एब्जॉर्व कर रहा सांप, और देख रहा है कहीं से अटैक तो नहीं कर रहा, तो समझो आपको सांप सोच रहा है कि कहीं से अटैक तो नहीं कर रहा, ठीक है। लोग सोच रहे हैं कि यार ये नाच रहा है, डांस कर रहा है, एक्चुअली में ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, डांस करने के चक्कर में उसके पास मत चले जाना, वरना इतना डांस करवा देंगे दिक्कत हो जाएगी आपको। तो कुल मिला कुछ फैक्ट ऐसे हैं। तो टॉक्सिन इनके बॉडी में बहुत पाया जाता है, और आपको बता दें कि इनके अंदर जो जहर होता है वो उनका मार्केटिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा इसका डिमांड होता है। तो हाँ, और इसके जो टॉक्सिन होती है, इसके जो जहर होता है, पॉइजन होता है, इसके पॉइजन से कई बड़ी बड़ी कैंसर जैसी दवाइयाँ बनती हैं। तो हार्डेस्ट जो डिजीज हैं उनका जो एंटीडोट है वो इनके पॉइजन से बनता है, इनके टॉक्सिन से बनता है, इसलिए मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। तो हाँ, इसका व्यापार भी बिजनेस भी करना मत शुरू कर देना कि सारे सांपों को पकड़ना शुरू कर दो, उनका जहर निकालो, बेचना शुरू कर दो, ऐसा मत करना। बट आपको ज्ञान के लिए बता देता हूँ, कुछ इस तरह होता है। चलिए, आप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा जल्दी से इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए, स्नैक होता है, ठीक है, स्नैक जो होता है उसको सांप कहते हैं, ठीक है, और इस दुनिया में सांपों की कई कैटेगरियाँ पाई जाती है, ठीक है। किंग कोबरा हो गया, ब्लैक कोबरा हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन एनाकोंडा हो गया, ठीक है, ब्राउन एनाकोंडा हो गया, ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं सांप की। और आप चले जाइए वर्ल्ड का सबसे जो बिगेस्ट फॉरेस्ट है अमेजोन, वहाँ पर आप चले जाइए, वहाँ पर ऐसे ऐसे सांप मिलेंगे, ऐसे ऐसे इस क्वालिटी के, इस रंग के सांप मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि, ठीक है, आप सोचेंगे कि यार क्या ऐसे भी सांप होते हैं वहाँ पे, तो आप जो सोच नहीं सकते वैसे वैसे सांप वहाँ मिल जाएंगे। उस सांप के अलावा कई जो जितने भी स्पीसीज है इस दुनिया में, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज
अमेजोन के जंगल में मिल जाएंगे, जो वर्ल्ड का फॉरेस्ट है, बहुत ही बिगेस्ट फॉरेस्ट है। बता दें भैया, सांप के ऊपर अंदर माउथ के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिनके अंदर टॉक्सिन भरा रहता है, जिसको अपन लोग पॉइजन कहते हैं। पॉइजन का काम होता है कि सिर्फ वो किसी बॉडी में ट्रांसफर करना, ठीक है, सिर्फ ये का सांप ही कर सकता है। तो जैसे ये आप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर हाँ ये किसी बॉडी को काट ले तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में चला जाएगा और हमारे पूरे ब्लड के सीवर सिस्टम को स्टॉप कर देगा, स्टॉप करने की वजह से हम लोग की डेथ हो जाती है। रीजन ये है, ठीक। तो जो सांप होते हैं उनका रीजन आपको बता दें कि जो सांप का जो विष होता है, अगर इसके जहर अगर इसने कहीं काट लिया तो आदमी टपक जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता होना चाहिए कि सांप अगर सांप का जहर अगर हम पी लेते हैं तो क्या हम मर सकते हैं, कमेंट कीजिए प्लीज। तो हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर कि अगर हम सांप अगर सांप जो है अपना विष या जहर को हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो मैंने बताया जो रीजन उसके हिसाब से तो आदमी खत्म हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप बताइए कि अगर स्नैक है, अगर हम स्नैक का पॉइजन ही पी जाएं, विष ही पी जाएं, तो क्या हम मर सकते हैं, आंसर भी कमेंट में। देखिए इसका आंसर हम बता देते हैं बेटा, हमेशा याद रखना कि इसका जो रीजन इसका जो पॉइजन है अगर हम पी लेते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब शुरू मत कर देना, घर में जाकर पीना मत शुरू कर देना, बट एक्चुअली जो हकीकत वो बता रहे हैं, इसका जो पॉइजन है अगर हम पॉइजन पीते हैं ना तो माउथ टू एनस, ठीक है, समझे, माउथ टू एनस, भोजन यहाँ से लेते हैं और यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल के रास्ते में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे ब्लड का कॉन्टेक्ट हो डायरेक्ट, तो ब्लड का कॉन्टेक्ट ना होने की वजह से हम लोग की डेथ नहीं होगी। अगर हम इसका जहर भी पी लेते हैं तो वो पच जाएगा, धीरे से निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए बड़े बड़े जो भोलेनाथ हैं या उसके जितने भी भक्त हैं वो सब दारूबाज हो गए हैं और नशेड़ी हो गए हैं और ये जहर पीते हैं और उनको कुछ नहीं होता, और नॉर्मल लोग भी पी लेते हैं, तो रीजन सिर्फ ये, ठीक है, ओके। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। सो थैंक यू, गुड लक, टेक केयर, बाय।